सर्वने सुप्रभात। आपने गत वीडियो नी अंदर पाठ नंबर बीजो स्मृति रस सुदाना चार श्लोकों ने जोया, जेनी अंदर अलग अलग श्लोकों नी अंदर अलग अलग स्मृति ग्रंथों द्वारा अलग अलग प्रकार नु मार्गदर्शन आपने आपवामां आव्युं। स्मृति ग्रंथों हमेशा मानसना जे नैतिक तबक्काओ छे, मानसनु जे रोजबरोज नी जिंदगी छे एनी अंदर थी जे शीखवा लायक बाबतो जे छे, जे मानस ने उन्नतिना प्रगतिना पंथ पर सर करी सके एवी बाबतो ने स्मृति ग्रंथों खास आधार राखे छे। तो स्मृति ग्रंथों पैकी आ आपणे दक्ष स्मृति माथी, आ पाठ मनुस्मृति माथी, वशिष्ठ स्मृति माथी आ पाठ लेवामां आव्यो छे। एमांथी आपणे आ पांचमो श्लोक आजे भणवानो छे, जेनी अंदर दक्ष स्मृति महर्षि जे दक्ष हता, जे भगवान शिवना ससरा हता दक्ष, एमना द्वारा जे रचित दक्ष स्मृति छे एनी अंदर आ श्लोक आवे छे। जे श्लोक ने आपणे भणीए, यथान्नं मधु संयुक्तं मधुवान्नेन संयुतं एवं तपश्च विद्याच संयुक्तं भेषजं महात्। पुनः यथान्नं मधु संयुक्तं मधुवान्नेन संयुतं एवं तपश्च विद्याच संयुक्तं भेषजं महात्। यथा अन्नम, यथा एटले जेम, अन्नम एटले अनाज, मधु एटले मध, जेम अनाज अनाज अने मध संयुक्तम एटले मिश्र थईने, संयुक्तम एटले मळीने, जेम अनाज मध अने अनाज युक्त थईने मधुवान्नेन संयुक्तम, मधु एटले मध अने अनाज भेगा थईने जेवी रीते मध अने अनाज भेगा थाय छे एवं तपश्च विद्याच संयुक्तम भेषजम महत, एवी रीते तप अने विद्याथी जो युक्त हो, तप ए विद्या साथे अने विद्या ए तप साथे संयुक्त हो तो महत भेषजम एटले मोटू औषध बनावे छे। अहीं दक्ष स्मृति आपणने एवुं समझावे छे के अनाज अने मध, अन्न अने मधने जो भेगू करिए तो एमांथी कई विशेष औषधि प्राप्त थाय, एवी ज रीते आपणे विद्यार्थी छीए, आपणी पासे विद्या तो छे पण विद्यानी साथे जो आपणी पासे तप होय तो आपणे आपणा माटे सौथी मोटामां मोटुं औषध छे। औषध साना माटे के संसारनी अंदर माणस अलग अलग प्रकारनी बधी दुविधाओथी परेशानीओथी घेरायेलो छे, तो एना माटे जो ए माणस पासे विद्या तो छे पण एनी साथे साथे जो तप पण होय तो ए माणस माटे ए विद्या अने तप सौथी मोटी औषधि बनी सके छे। जेवी रीते मद अने अनाज ने मिक्स करवाथी ए मोटी औषधि बने छे तेवी रीते आपणी पासे विद्या छे पण एनी साथे तप होय अने तप आपणी पासे होय तो तपनी साथे विद्या होय तो आ बन्ने मिश्र थईने एक मोटी औषधिनुं निर्माण करे छे, ए आपणा माटे एक मोटी औषधि छे કે જેની જેના દ્વારા આપણે જીવનની અંદર સંસારની અંદર જેટલા પણ બધા રાગ દ્વેષો છે, બધા ક્લેશો છે, એ બધા ક્લેશોને આપણે વિદ્યા અને તપરૂપી ઔષધિથી મટાડી શકીએ છીએ। જો આપણા શરીરની અંદર કંઈક ક્ષતિ થાય, શરીરની અંદર અશક્તિ હોય, નબળાઈ હોય તો મધ અને અન્નને મિશ્ર કરીને એનું પ્રાશન કરવામાં આવે તો આપણું શરીર સ્વસ્થ બની શકે છે। એવી જ રીતે આ સંસારની અંદર અજ્ઞાનરૂપી જે રોગ છે એ અજ્ઞાન રૂપી રોગને મટાડવા માટે આપણી પાસે વિદ્યા અને તપ જરૂરી છે, જે મધ અને અન્નયુક્ત થઈ અને મનુષ્યને સ્વસ્થ બનાવે છે તેવી રીતે વિદ્યા અને તપ યુક્ત થઈને એક મોટી ઔષધિનું નિર્માણ કરે છે। આમ આ શ્લોકની અંદર આપણે એ સમજવાનું છે કે જે મધ અને અન્ન બંને જણ યુક્ત થઈ અને એક મનુષ્યને સારું સૌષ્ઠવ આપે છે, જ્યારે તપ અને વિદ્યા એ મિશ્ર થઈ અને મનુષ્યને મોટું ઔષધ આપે છે, બંને એક ઔષધ સ્વરૂપ છે। જો તમારી પાસે તપ હોય અને વિદ્યા હોય તો એ સૌથી મોટામાં મોટી ઔષધિ છે। આમ આ પાંચમા શ્લોકની અંદર સમજાવવામાં આવ્યું દક્ષ દ્વારા કે આપણે
विद्यार्थी तो छे, आपनी पास विद्या है, पण एनी साथे साथे तप पण जरूरी है। हवे तप शब्द नो आपणे अहीं अर्थ करिए तो तप एटले छात्रावास की अंदर रही अने तमे परिवार थी दूर रही ने भणो ए पण एक प्रकार नुं तप ज छे। अने तप माटे वात करवामां आवी के साधना जो तमारी पासे तमारा ईश्वर पर तमारा इष्टदेव पर तमारी श्रद्धा हो तो ए एने पण तप आपणे कही शकीए। आपणे आपणे विद्या पण ग्रहण करीए अने साथे साथे आपणा विश्वास आपणा आपणा भगवान में अपने विश्वास हो तो ये सौथी मोटी औषधि बनी जाए छे मानस माटे। बराबर त्यार पछीना श्लोक ने आपने जोईए दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागे च सततम व्याधि तुल्पायुरे वच। फरी दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधि तुल्पायुरे वच। आ दक्ष स्मृति नी अंदर दुराचारी मानस नु शू थाय एनु वर्णन आ श्लोक नी अंदर करेलो छे। सांभळो दुराचारो ही पुरुषो, दुराचार एटले खराब आचरण वालो पुरुष एटले मानस, खराब आचरण वालो मानस लोके एटले संसार मा, लोके एटले आ संसार मा केवो बने छे भवती निंदिता ए निंदित थाय छे, निंदित बने छे केवो मानस, खराब आचरण वालो मानस संसार मा निंदा पात्र बने छे, निंदित बने छे केवो मानस, खराब आचरण करवा वालो। दुख भागी च सततम, दुख मेळवनार, दुख ने प्राप्त करनारो, रोगग्रस्त, व्याधितः एटले रोगग्रस्त, हमेशा रोगग्रस्त रहेवा वालो, अने अल्पायुहु एवच, अने अल्पायु बने छे। दुराचारी पुरुष ना अहीं लक्षण बताव्या कि दुराचारी पुरुष दुराचार करीने शुं प्राप्त करे छे, तो आपणने स्मृति समझावे छे कि दुराचार करवाळो मानस आ संसारमां निंदाने पात्र बने छे, ते हमेशा दुखने प्राप्त करे छे, सतत रोगग्रस्त रहे छे अने अल्पायुषी बने छे केवो मानस, दुराचार करवा वालो मानस। तो दक्ष स्मृति आपने शीखवाड़े छे, आपने कहे छे, अहीं आपने सावधान करे छे कि आपने सारा आचरण वाला बनीए, आपने जो दुराचार करीशुं तो आपने बधुं आ भोगवुं ज पड़शे, एटले आपने दुराचार न करीए, आ आपने दक्ष स्मृति शीखवाड़े छे। आम प्रथम पांचमा श्लोक नी अंदर बतावामां आव्युं के तप अने विद्यानुं महत्व, ज्यारे छठा श्लोक नी अंदर दुराचारी मानस की स्थिति शू थाय, दुराचारी मानस ने दुख ज भोगवू पड़े छे, माटे आपणे दुराचार ने छोड़वू जोईए, अत्यारथी आपणामां सारा आचार सारा विचार अने सारो व्यवहार अने सारो आहार आपणे जीवन में उतारीए तो आपणे जीवन नी अंदर खूब सुखी थईए एवो अहीं आ दक्ष स्मृति द्वारा भाव प्रकट करवामां आव्यो। हवे आवता श्लोकोने आवता वीडियो नी अंदर जोईशुं। वीडियो तमने पसंद आयो होय तो लाइक करशो। धन्यवाद।